नमस्कार, हेलो, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूँ। आई एम डायरेक्टर एंड हेड ऑफ न्यूरोसर्जरी एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला दिल्ली। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर की, जिसका नाम सुनते ही सबके मन में घबराहट होती है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर काफ़ी कॉमन है। आजकल सीटी स्कैन और एमआरआई की फैसिलिटीज़ होने की वजह से ये बड़ी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। इसके सिम्टम्स में आते हैं सिर दर्द, लगातार सिर दर्द, अर्ली मॉर्निंग हेडेक, या किसी को साथ में उल्टी आती है, विजन में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, या किसी की स्मेल चली जाती है, तो उसमें भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, कुछ लोगों को लिम में वीकनेस होती है, अधरंग पड़ जाता है, तो उससे भी हो सकता है कि वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकती हैं। इसलिए हमारे को ब्रेन ट्यूमर को जल्द से जल्द डायग्नोस करना जरूरी है, जिसके लिए एमआरआई ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। वो एक हार्मलेस इन्वेस्टिगेशन है, अपने अपने डॉक्टर की सलाह पे एक एमआरआई ब्रेन करा के इसको डायग्नोस करना जरूरी है। और अगर एमआरआई ब्रेन नॉर्मल है तो उसका मतलब ब्रेन ट्यूमर नहीं है। इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें बायोप्सी लेके ये डिटरमिन करना है कि वो कैंसर है कि बेनाइन ट्यूमर है, उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है ज़रूरत। अगर वो कैंसर है तो आगे रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार शरीर के किसी और अंग से निकल के ट्यूमर ब्रेन में फैल जाता है, जिसको कि मेटास्टेसिस कहते हैं, तो उसमें हमें पेट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज आजकल सक्सेसफुल है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हुई है। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, न्यूरो नेविगेशन, अवेक क्रेनोटमी, ट्यूमर फ्लोरोसेंस और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स अवेलेबल हैं जिससे कि सेफली ट्यूमर को निकाला जा सकता है, पेशेंट को मिनिमल डेफिसिट्स होते हैं और उसकी लाइफ लंबी हो सकती है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं या डाउट है कि ब्रेन ट्यूमर है, एमआरआई कराएं, अगर ट्यूमर निकलता है तो किसी एक ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां सारे गैजेट्स हों, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, रेडियोथेरेपी, ये सारी फैसिलिटीज़ हों, ताकि सेफली आपका इलाज हो सके और आप लॉन्ग टर्म अच्छी लाइफ जी सकें। इन पेशेंट्स को लंबे टाइम तक दौरा रोकने की दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसको नियमित रूप से लेना चाहिए। ट्यूमर के रिकरेंस के, दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रह के बार बार एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि आपको घबराना नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है ताकि एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।